नई नई तकनीकों के आने के बाद पहले के मुकाबले खेती और बाड़ी करना थोड़ा आसान हो गया है। हालांकि फिर भी किसानों के सामने आए दिन कई नई चुनौतियां आती रहती है और इन्हीं सभी के बीच हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। आपको बता दें कि बाजार में कृषि मशीनों की कीमत काफी अधिक है और ज्यादातर किसान इसे खरीद पाने में समर्थ नहीं है। ऐसे में या तो वो किराए पर इन मशीनों को लाते हैं या खुद ही पारंपरिक तौर पर खेती करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ठीक ठाक नुकसान झेलना पड़ता है और किसानों को इस स्थिति से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने कृषि मशीनों पर सब्सिडी के लिए आवेदन की तारीख जो 9 मई थी अब उसको बढ़ाकर 20 मई कर दिया है। लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लिया है। जी हाँ, अब राज्य सरकार किसानों को मशीनों पर 40-50% तक की छूट दे रही है। दरअसल खरीफ फसलों की बुवाई के समय को देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को ये तोहफा दिया है। राज्य के किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि मशीन खरीदने का मौका अब मिलेगा। तो चलिए जानते हैं किन कृषि यंत्रों पर ये सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें, बीटी कॉट सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, स्वचालित रिपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप, DSR, पावर टिलर, ट्रैक्टर चलित रोटरी वीडर सहित कई मशीनों पर इस सब्सिडी को दिया जाएगा। आवेदन करते समय किसानों को 2.5 लाख रुपए से कम अनुदान करने वाले कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए और 2.50 लाख या इससे अधिक रुपए के कृषि यंत्रों पर 5000 रुपए आवेदन करते समय टोकन मनी के रूप में जमा करवाने होंगे। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, ये आवेदन ऑनलाइन रहेगा। हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके अलावा केंद्र सरकार की SMAM योजना के तहत भी किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र घर ला सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान हरियाणा सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।